आज हम गाजर का एक ऐसा डेजर्ट बनाएंगे जो कि एकदम ही यूनिक रेसिपी है। यह डेजर्ट बहुत ही क्रीमी और लाजवाब टेस्टी बनता है। इसको बनाने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता, फटाफट बन जाता है। इसको आप मेन कोर्स के साथ भी सर्व कर सकते हो। ये जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है, जो बिना क्रीम के भी क्रीमी बनेगी। तो आइए मज़ेदार कैरेट डेजर्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकिंग स्टूडियो बाय बीजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी आसान तरीके से। तो यहाँ पर मैंने एक गाजर लिया है जिसे मैंने पहले अच्छे से धो लिया है। तो अब हम इसके छिलके को निकाल देते हैं। गाजर का जो नीचे का हिस्सा है उसे हम कट कर लेते हैं। गाजर को हमें ग्रेट करना है तो बीच में से हम कट कर लेते हैं ताकि हमें ग्रेट करने में आसानी रहे। बस इतनी ही हमें ज़रूरत है। तो तकरीबन एक कप जितना ये ग्रेट किया हुआ गाजर है। तो अब एक पैन में हम 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। तो घी अच्छी तरह से गर्म हो गया है, अब हम उसमें 1 टेबल स्पून गेहूं का आटा डालेंगे। गेहूं का आटा डालने से क्या होगा कि हमारा जो डेजर्ट है वो थोड़ा सा ठीक होगा। धीमी आंच पर ही आटे को हम अच्छी तरह से घी में सेक लेंगे। तो हल्की हल्की खुशबू आए तब तक हमें आटे को सेकना है। तो हल्का ब्राउन कलर आ गया है और अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम उसमें 1 कप ग्रेट किए हुए गाजर डालेंगे और गाजर को भी हमें अच्छी तरह से टोस्ट करना है। जब तक कि गाजर हल्का सा पक जाए तब तक हमें गाजर को रोस्ट करना है। तो कंटिन्यूसली चलाते हुए हम पकाएंगे। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हम गाजर को इस तरह से पकाएंगे। तो आटे के साथ गाजर सीकेगा तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी। अब हम उसमें 500 ml दूध डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने फुल फिट वाला ही दूध लिया है, आप कोई भी दूध यूज़ कर सकते हो। तो दूध डालने के बाद हम गैस को हाई कर देंगे ताकि दूध जल्दी से उबल जाए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो अब दूध अच्छे से उबलने लगा है तो गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। तो साइड से भी हम लेते हुए इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो थोड़ा सा गाढ़ा हो तब तक हमें पकाना है। तो इस प्रोसेस को आप प्रेशर कुकर में भी सारी चीज़ मिक्स करके 2 विसल आने तक पका लो तो भी अच्छे से बन जाता है। तो उबलने के बाद तकरीबन 3 मिनट तक हम ऐसे ही उबालेंगे। तो अभी थोड़ा सा दूध रिड्यूस हो गया है तो अब हम उसमें 1.5 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। और साथ ही में हम डालेंगे 2 टीस्पून काजू का पाउडर, या तो काजू के पाउडर की जगह आप बादाम का पाउडर भी ले सकते हो, जिससे क्या होगा कि इसका टेक्सचर जो है वो एकदम क्रीमी आएगा और फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आएगा और इसे थोड़ा सा गाढ़ा भी होगा। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फिर से थोड़ा सा गाढ़ा होने तक हम धीमी आँच पर ही पकने देंगे। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है, ये जो चम्मच है वो अच्छे से कोट हो रहा है। तो आपको जितना गाढ़ा पसंद हो उतना गाढ़ा आप रख सकते हो। तो अब हम उसमें 2 टीस्पून काजू बादाम के टुकड़े डालेंगे और 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इतनी है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं।
और हल्का सा रूम टेम्परेचर पर आए उसके बाद हम सर्व करेंगे। तो यहाँ पर सर्व करने के लिए मैंने एक ग्लास लिया है, तो आप कोई भी बाउल में भी सर्व कर सकते हो। और बादाम और पिस्ता के कतरन से हम गार्निश करेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारा कैरेट डेजर्ट। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। आप इसको और भी गाढ़ा करना चाहते हो तो 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दो, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। ठंडा गर्म जैसे भी आपको पसंद हो वैसे आप इसे सर्व कर सकते हो। तो दोनों तरीके से ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप इसमें आटे को स्किप कर दो तो आप इसे उपवास में भी खा सकते हो। तो बस 10 से 15 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको कई सारी नई रेसिपी देखने को मिल जाएगी। थैंक यू।